क्रिस्ट में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन हमने लिया है संत मार्कुस अध्याय 12 पद 1 से लेकर 12 तक। वह लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देने लगे। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। समय आने पर उसने दाखबारी की फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास एक नौकर को भेजा। असामियों ने नौकर को पकड़कर मारा पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित किया। उसने एक और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने बहुत से नौकरों को भेजा, उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को पीटा और कुछ को मार डाला। अब उसके बाद एक ही बचा हुआ था, उसका परम प्रिय पुत्र। अंत में उसने यह सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु उन असामियों ने आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाखबारी के बाहर फेंक दिया। दाखबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन असामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी दूसरों को सौंप देगा। क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया था। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। वे समझ गए कि यीशु का यह दृष्टांत हमारे ही विषय में है और उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे और उन्हें छोड़कर चले गए। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्ट में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के वचन के द्वारा विशेष रूप से प्रभु हमें तीन शिक्षा देता है। सबसे पहली शिक्षा प्रभु देता है कि ईश्वर ने इस दुनिया को बड़े प्यार से बनाया। हिंसक असामियों के दृष्टांत के द्वारा हमें यह पता चलता है कि वह दाखबारी का मालिक अपनी दाखबारी में फसल लगाता है, उसके चारों ओर कुंड खुदवाता है और उसके चारों ओर घेरा बनवाता है, सुरक्षा करता है ताकि उसकी दाखबारी सुरक्षित रह सके। क्रिस्ट में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ईश्वर ने इस दुनिया को बड़े प्यार से बनाया है, बड़ी चाहत से बनाया है और इस दुनिया को कई प्रकार के रंगों से सुशोभित किया है। और इसीलिए आप देखते हैं कि समय समय पर यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है, समय समय पर प्रकृति अपना रंग बदलती है, समय समय पर मौसम आकर इस दुनिया को, इस प्रकृति को हरा भरा करते हैं। क्रिस्ट में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम सभी का उत्तरदायित्व क्या है? क्या हम ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि से प्यार करते हैं? ईश्वर ने जिस प्रकार से इस दुनिया को बनाया, क्या हम इस दुनिया को रखते हैं? और आज के वचनों के द्वारा दूसरा पॉइंट प्रभु हमें ये सिखाता है कि इस दुनिया की रख रखाव के लिए ईश्वर ने हम सभी को जिम्मेदारी दी गई है। जैसे कि हमने इस दृष्टांत में पढ़ा कि वो मालिक अपनी दाखबारी को कुंड खोदकर, सुरक्षा घेरा बनवाकर, उसके बाद में असामियों को पट्टे पर देकर विदेश चला जाता है। वो इसलिए देकर चला जाता है, उसको ये भरोसा था कि ये लोग मेरी दाखबारी को देखेंगे, इसमें फसल उगाएंगे और मैं जब वापस आऊँगा तो मुझे वापस ये दाखबारी जैसे मैं देकर जा रहा हूँ वैसे मुझे वापस करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, आज हम ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि यीशु हमें नहीं देख रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि
इस धरती पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। इस धरती को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज मैं आपके सामने दूसरा बिंदु आपके सामने मनन चिंतन करना चाहूँगा, वो ये है कि मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। अगर घर में पति नहीं रहता है तो ये पत्नी की जिम्मेदारी है कि अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाए। अगर घर में पत्नी नहीं रहती है तो ये पति की जिम्मेदारी है कि घर बार अपने कंधों पर लेकर जैसे पत्नी छोड़कर गई थी वैसे ही उसकी देखभाल करें। और अगर घर में माता पिता नहीं है तो ये बच्चों की जिम्मेदारी है कि अपने परिवार अपने घर को वैसे ही रखें जैसे माता पिता ने उन्हें रखा था। प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमें आह्वान करता है कि उसकी अनुपस्थिति में हम इस दुनिया को कैसे देखते हैं, उसकी अनुपस्थिति में हम इस दुनिया को कैसे रख रखाव करते हैं। क्या मैं जैसे ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, जैसे ईश्वर ने मुझे कार्य सौंपा, क्या मैं इस दुनिया को रखता हूँ। इसका दूसरा बिंदु ये है ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, कि यीशु ने इस शरीर की जिम्मेदारी भी मुझे दी है, यीशु ने मेरी आत्मा की जिम्मेदारी भी मुझे दी है। तो क्या मैं इस शरीर को वैसे ही पवित्र रखता हूँ जैसे यीशु ने मुझे इस शरीर को दिया है? क्या मैं मेरी आत्मा को वैसे ही शुद्ध और पवित्र रखता हूँ जैसे ईश्वर ने इस आत्मा को बनाया? ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस शरीर की पवित्रता को बनाकर रखें। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आत्मा की पवित्रता को बनाकर रखें। आज का वचन हमें तीसरा बिंदु मनन चिंतन के लिए प्रेरित करता है, वो यह है कि अगर मैं इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करूंगा तो इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। जब वो दाखबारी का मालिक वापिस लौट कर आता है, उसने समय समय पर अपने नौकरों को भेजा कि उन्हें वो दाखबारी का हिसाब लौटा दे, परंतु असामियों ने उनके साथ में बदसुलूकी की। और अंत में वह अपने बेटे को यही सोचकर भेजता है कि कम से कम मेरे बेटे का आदर करेंगे और मुझे दाखबारी का हिसाब मिलेगा, परंतु उन्होंने उसके बेटे को भी मार कर फेंक दिया। और स्वामी गुस्सा होकर उन असामियों का सर्वनाश करता है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारी शिकायत रहती है कि क्यों यह बीमारी हमारे शरीर में आई। हमारी शिकायत रहती है कि क्यों हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। हमारी शिकायत होती है कि क्यों हमारे घर में अशांति होती है। मैं यही कहूँगा प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, यह इसलिए होता है कि हमने इस शरीर के साथ में खिलवाड़ किया है। यह इसलिए होता है कि हमने अपने परिवार के उसूलों के साथ खिलवाड़ किया है। यह इसलिए होता है कि हमने प्रभु वचनों के अनुसार अपना जीवन नहीं यापन किया है। आइए, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कि हम आज के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो सुंदर दुनिया ईश्वर ने बनाई है उसको हम वैसे ही सुंदर रखें जैसे ईश्वर ने इसे बनाया है। जो जिम्मेदारी ईश्वर ने हमें दी है, फिर चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी हो, मेरे शरीर की जिम्मेदारी हो, मेरी आत्मा की जिम्मेदारी हो, मैं उसे बखूबी निभा सकूं। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी शक्ति दे कि हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकें, इस दुनिया को वैसे ही प्यार करें जैसे आपने प्यार किया है। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।